Bright Future School of Studies. Hello everyone. Today I am explaining chapter 6th of English. Okay? आज मैं आपको English का chapter 6 समझा रही हूँ. So which is our 6th chapter? कौन सा है हमारा 6th chapter? I love my baby. Okay? So what is the means of this sentence? क्या means होता है इसका? मैं अपने बेबी से बहुत प्यार करती हूँ. अब अच्छा मुझे ये बताओ, ये सेंटेंस कौन यूज़ करता है? हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं ना. ओके, इट मींस चैप्टर में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बेबीज़ होते हैं उनको उनके पेरेंट्स की कितनी नीड होती है ना, स्पेशली फॉर मदर. ओके, मम्मा की कितनी नीड होती है. अच्छा मम्मा हमारे लिए क्या क्या करती है? हमें बाथिंग करवाती है, हमारे लिए फूड कुक करती है, हमें फूड ईट भी करवाती है, बहुत सारी चीज़ें भी सिखाती है, हमारा होमवर्क भी करवाती है ना. इट मीन्स जो मम्मा हैं उनकी नीड तो हमें बहुत ज़्यादा होती है, उनके बिना हम वर्क कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं, है ना. सो इस चैप्टर में आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो हमारी मम्मा है ना, जिस तरह हमारी केयर करती है, वैसे एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके जो बेबीज़ होते हैं उनकी केयर भी उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा करती है. वो भी उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है ना. अब वो क्या क्या सिखाती है, वो किस तरह केयर करती है, आज ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो मैंने आपसे कहा कि एनिमल्स जो होते हैं उनको भी उनके यंग वंस की केयर करनी होती है, और वो भी अपने यंग वंस मतलब उनके बच्चों की केयर करते हैं. ओके, तो एनिमल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वे में अपने बेबी की केयर करते हैं. सभी एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट वे होता है. ओके, वहीं हम बात करते हैं पोलर बियर. ओके, सो पोलर बियर में जो मम्मा पोलर बियर होती है वो अपने बेबी की केयर किस तरह करती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि पोलर बियर जो है वो कौन सी प्लेस पर रहता है, कोल्ड आइसी प्लेस पर रहते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो मम्मा पोलर बियर है वो अपने बेबी की केयर करने के लिए उस आइसी प्लेस पर एक केव बनाती है ना, इट मीन्स गुफा बनाती है स्नो के अंदर, बर्फ के अंदर, और वहाँ पर अपने बेबीज़ को रखती है ना. तो वो जो स्नो है वो पूरी बर्फ की बनी होती है, लेकिन उसके अंदर जो है बहुत वार्म इट मीन्स गर्मी रहती है. तो वो अपने कब्स को वहाँ पर इतना इट मीन्स आराम के लिए वहाँ रखती है ना. उस केव के अंदर जो बेबीज़ हैं वो बहुत गर्म गर्म फील करते हैं और वहाँ आराम से रहते हैं, है ना. और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो मम्मा पोलर बियर जो रहती है उनको वहाँ से बाहर ले आती है, क्योंकि उस समय सनशाइन करता है. तो वो आराम से वहाँ पर बाहर घूमकर और गर्म फील करते हैं और इन्जॉय करते हुए रहते हैं, है ना. मम्मा जो हैं उनको स्विम करना भी सिखाती है, अदर एनिमल को हंट करना भी सिखाती है ना. और बहुत ही जल्द वो जो बच्चे हैं ये सारा वर्क सीख भी जाते हैं ना. इन अ फ्यू मंथ ही वो कैच करना सीख जाते हैं, पता है किन चीज़ों को? फिश एंड सील को कैच करना सीख जाते हैं, क्योंकि ये उनका फूड होता है, वह इसी को ईट करते हैं. ओके, और खुद अपनी केयर करना भी सीख जाते हैं, गॉट इट. वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्मेडिलो. ओके, सो आर्मेडिलो इज़ द स्ट्रेंज एनिमल. ये एक अजीब सा एनिमल है ना. इट इज़ द लिटिल, ये बहुत छोटा होता है एंड लुक लाइक समथिंग आउट ऑफ स्टोरी बुक. ओके, इट मीन्स ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई आर्टिफिशियल है ना, स्टोरी बुक के कोई पीक है उस तरह दिखता है, क्योंकि जो इसकी बॉडी होती है वो बॉडी जो आउटसाइड से है वो पूरी इस तरह लगती है जैसे कि इसने कोई कोट वियर किया हुआ. ओके, एक हार्ड प्लेट जैसा कोट है जो कि लगता है कि इसने वियर किया हुआ है, और जो उसकी प्लेट से है कोट की वो सपल प्लेट से, इट मीन्स उससे वह इजीली मूव भी कर सकता है. ओके, और जब यह डेंजर जोन में आता है तो यह अपनी बॉडी को पूरा उस कोट के अंदर रोल कर लेता है, राउंड अ बॉल, बॉल की तरह कर लेता है राउंड. ओके, और जो आर्मेडिलो है, मम्मा आर्मेडिलो है, वो वन टाइम में एट अ टाइम 4 बेबीज बर्थ करती है. ओके, और उनकी बहुत अच्छे से केयर करती है जब तक कि वह बड़े ना हो जाए, इट मीन्स उनमें वो प्लेट ग्रो ना हो जाए. ओके, जब नाइट होती है ना तो नाइट के समय में मम्मा जो है वो इनको बेबीज़ को बोरों से बाहर लेकर आती है और उनको को फिट करवाती है और अपने आप को रोल करना सिखा देती है, कि वह जब अदर एनिमल्स से उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो या कोई उन्हें टच ना कर पाए, इसलिए अपनी बॉडी को उस प्लेट के अंदर किस तरह रोल करना है वो रोल करना सिखाती है. लाइक पूरा मैंने जैसे कि आपको बोला है कि वो बॉल के जैसा हो जाता है ना. और जो आर्मेडिलो है वह अपने बेबीज़ को
इंसेक्ट को कैच करना सिखाती है कि इंसेक्ट को हम पकड़ के कैसे ईट कर सकते हैं। ये प्लांट्स भी ईट करते हैं, सारे प्लांट्स ईट नहीं करते हैं, कुछ ही प्लांट्स ईट करते हैं। तो वो रिकॉग्नाइज करना सिखाती है उन प्लांट्स को कि हमको कौन से प्लांट को ईट करना है, वो रिकॉग्नाइज करके उस प्लांट को ईट करते हैं। गॉट इट, समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कंगारू। ओके, सो कंगारू की हम जब बात करते हैं तो मम्मा कंगारू जो होती है वो अपने बेबीज को कहाँ रखती है? इन अ पाउच। ओके, पाउच के अंदर रखती है, उनकी बॉडी में ही डाउन साइड एक पाउच जैसा बना हुआ था जहाँ पर ये अपने बेबीज को रखती है। ओके, इनके बेबीज को जौ कहते हैं। गॉट इट। अदर एनिमल्स भी ऐसे हैं जो कि अपने बेबी को पाउच में रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ओपोसम कहते हैं। ओके, कौन सा एनिमल है वो? ओपोसम है, जो कि अपने बेबी को वो भी पाउच में रखता है। ओके, और यूजुअली वो कहाँ रहते हैं? लिव इन वाटर, वाटर में रहते हैं। ओके, और जब ओपोसम अपने बेबी को बर्थ करते हैं तो वो जो बेबीज होते हैं उनके बहुत छोटे छोटे होते हैं, टीनी होते हैं, ना उनके हेयर होते हैं और दे कैन नॉट सी, ना ही वो बेबीज देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। होता है 8 वीक, 8 वीक जब कंप्लीट हो जाते हैं उस समय मम्मा उनको पाउच से निकाल कर अपने बैक पर बिठा कर राइड करवाती है। ओके, फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी पर जो है वो हेयर ग्रो होने लगता है और वो देखने भी लगते हैं। ओके, समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट हिप्पोपोटामस। सो हैव यू सीन अ बेबी हिप्पोपोटामस? क्या आपने इसका बेबी देखा है कैसा दिखता है? ओके, यहाँ पर भी जो मम्मा हिप्पोपोटामस होती हैं वह अपने बेबीज को अपने बैक पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिठाकर डीप वाटर में स्विम करती है। ओके, समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट बीवर। बीवर इज द क्लेवरेस्ट एनिमल। ओके, ये बहुत क्लेवर एनिमल होता है, बहुत चतुर होता है। ओके, और मम्मा बीवर जो होती है वह एक गुड मदर है, मतलब वह अपने बेबी की बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है उनको। ओके, और जो इनकी लाइफ होती है वह बहुत बिजी लाइफ होती है। ओके, अब बिजी लाइफ कैसे होती है? सो जो ये बेबीज बॉर्न करते हैं तो कहाँ पर रखते हैं अपने बेबी को? डोम शेप्ड हट के अंदर रखते हैं। ओके, जो कि वह कहाँ बनाते हैं? रिवर बैंक, इट मीन्स नदी के किनारे पर बनाती हैं और वहाँ पर अपने बेबीज को रखती हैं। और जब तक कि वह बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक वो वहीं रहते हैं। जैसे ही वह थोड़े ग्रो होते हैं मामा उनको रिवर पर ले जाती है, उनको स्विम करना सिखाती है, फिश को कैच करना सिखाती है। और ये जो है मैंने आपसे कहा कैसा एनिमल है, ये क्लेवर एनिमल है, इट मीन्स ये जल्दी ही ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ओके, और मम्मा इनको को डैम बिल्ड करना भी सिखाती है कि किस तरह से डैम को बिल्ड किया जाता है। ओके, सो उसके लिए इनको क्या करना रहता है? मम्मा इनको सिखाती है कि ट्रीज़ को कैसे कट किया जाता है ना, उसको 5 फीट लेंथ में कट करके उसको रोल करके मतलब रुड़काते हुए कहाँ ले जाना रहता है? रिवर तक ले जाना रहता है। तो मम्मा उनको ये चीज़ सिखाती है, फिर वहाँ पर उससे वो उस डैम को बनाने के लिए उस पार्ट कट करके लाते हैं, उसको रखते हैं, उसके अंदर जो गैप्स रहती है उसको वो स्टोन और मड से फिल करते हैं, उस मड से उसको प्लास्टर करते हैं। ओके, इनकी लाइफ जो है वो वेरी बिजी लाइफ होती है, मैंने आपको बता ही दिया कि इतना हार्ड वर्क होता है इनका। ओके, सो मम्मा बीवर पहले से श्योर भी रहती हैं कि हाँ उनके बच्चे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेंगे, इस लेसन को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। गॉट इट, समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट एलिफेंट। सो यू नो वेरी वेल एलिफेंट इज़ द लार्ज एनिमल, यह एक बहुत बड़ा एनिमल होता है। सो इसके जो बेबीज होते हैं उनकी लाइफ भी वेरी लॉन्ग होती है, इट मीन्स 20 एज तक तो ओनली वो ग्रो ही होते रहते हैं, इट मीन्स बढ़ते ही रहते हैं। अब 20 ईयर की एज तक अगर वो ग्रो ही होते रहते हैं तो वो अपने आप की केयर बहुत जल्दी करना सीख जाते हैं। ओके, इट मीन्स वह खुद की केयर कर सकते हैं। गॉट इट, आपको समझ में आया? मैंने आपको चैप्टर में क्या बताया है कि मम्मा जो है जिस तरह हमारी मम्मा हमारी केयर करती है उसी तरह जो कब्स होते हैं, इट मीन्स एनिमल्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मम्मा भी उनकी उसी तरह केयर करती है, उनको वो गुड थिंग्स सिखाती है ना, उनको कौन सा वर्क करना है नेचर के अकॉर्डिंग उनको वर्क करना सिखाती है। गॉट इट, अच्छे से चैप्टर समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है, अपनी बुक में 6th चैप्टर को रीड करना है और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। गॉट इट, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। सो थैंक यू।